नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है आयुर मानव। यदि दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो वीडियोज को अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। आज का वीडियो होने वाला है, जो कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एक ऐसा सुपर फूड जो आपको आपके परिवार को हेल्दी बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। जी हाँ, आयुर्वेद में इसको ब्रह्म रसायन के नाम से जानते हैं। वैसे तो ये रसायन कर्म के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रसायन कर्म से रिलेटेड ही कर्मों के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम ये जान लें कि एक्चुअल में रसायन कर्म होते क्या हैं। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि रसायन है क्या। आयुर्वेद में एक श्लोक आता है, लाभो पायो ही सस्ता नाम रसादि नाम रसायन। जी हाँ, जिसका अर्थ है कि आपकी बॉडी के एक एक टिश्यू, एक एक सेल्स को फिर से नया करने वाला, मींस एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, आपकी बढ़ती उम्र को रोकने वाला, इवन उम्र ही नहीं, आपके न्यूरॉन्स को खत्म होने से रोकने वाला, आपकी किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स को नष्ट होने से रोकने वाला, आपके लिवर की हिपेटिक सेल्स को खत्म होने से रोकने वाला, इवन उनको युवा यानी यंग बनाने वाला, पहले से ज्यादा ताकत देने वाला, अगर मैं कहूँ कि सिंपली आपका दोबारा जन्म देने वाला वो रसायन होता है, और इन सारे कर्मों को रसायन कर्म कहते हैं। हमारे आयुर्वेद में ये सबसे बेस्ट थेरेपी के रूप में जाना जाता है। इवन अगर फ्यूचर में कैंसर का ट्रीटमेंट निकल के आता है तो रसायन कर्म के थ्रू ही आएगा, क्योंकि तो जहां पर सेल्स के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, जहां पर, गौर से सुनिएगा, जहां पर सेल्स के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, सेल्स की डिवीजन बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड अ कैंसर। और उस पैटर्न, उस डिवीजन को, उस सेल को कंट्रोल करने का काम सबसे अच्छा जो है रसायन कर सकता है। तो इस ब्रह्म रसायन के बारे में आप सुनिए। ब्रह्म रसायन पर कई रिसर्च हुई, हमारे इंडिया में हुई है, आउट ऑफ इंडिया हुई है, इंडिया में तो होना जरूरी है क्योंकि आयुर्वेद हमारे इंडिया का है, और इंडिया के बाहर बहुत ज्यादा लेबोरेटरी रिसर्च हुई है जिसमें पाया गया कि ब्रह्म रसायन हमारे स्पर्म काउंट को इंक्रीज करता है, ब्रह्म रसायन जीनोटॉक्सिसिटी को समाप्त करता है, ब्रह्म रसायन हमारी बॉडी में बन रहे डेब्रिस मटेरियल को समाप्त करता है, ब्रह्म रसायन हमारे न्यूरॉन्स की सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी द्वारा इसको बनाया गया, इसीलिए इसका नाम ब्रह्म रसायन रखा गया। यदि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करेगा, यदि आपकी डाइजेस्टिव फायर कमजोर है तो उसको भी कंट्रोल करेगा, साथ में आपके बच्चों की मेमोरी पावर को बूस्ट करने का कार्य भी ये ब्रह्म रसायन करता है। इवन बॉडी के अंदर जो सेल्स डीनेचर्ड हो रही थी, सेल्स डिस्टर्ब हो रही थी, या यूं कहें कि सेल्स अपने कार्य से भटक रही थी, तो ये ब्रह्म रसायन उनको प्रॉपरली उनके रास्ते पर लेकर के आएगा। ब्रह्म रसायन एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला इम्यूनिटी बूस्टर है, जो आपके शरीर में कई प्रकार की बीमारियों को आने से रोकता है। तो जो ये जो जैम है, इन जैम्स को अपने खाने से हटाइए, अपने बच्चे को ब्रेड पे या किसी पे भी इस ब्रह्म रसायन को लगा करके सुपर फूड की तरह देना स्टार्ट कीजिए। कैसे देना है, कैसे प्रयोग करना है, ये वीडियो के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। अगर आपको ये सारी जानकारी चाहिए तो आप किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाके सलाह लें, वो प्रॉपरली परीक्षण करने के बाद उसका डोज और उसके अन्य गुणों के बारे में भी आपको समझाएगा। यदि आपको ब्रह्म रसायन परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। और यदि इसके बारे में और आपको जानना है कि आपके बच्चे के लिए, आपकी फैमिली के लिए ब्रह्म रसायन का एक्चुअल डोज क्या है, तो आप स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर मैसेज करके, अपॉइंटमेंट बुक करके आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं वैद्य शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।